क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आप अपने कैमरे में कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जब तक कि आपकी बैटरी या मेमोरी कार्ड खत्म ना हो जाए। एंड यस, सबसे बड़ी चीज, बिना ओवरहीटिंग इश्यूज के। विश्वास नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हुआ था, बट लेट मी शो यू हाउ दिस इज पॉसिबल नाउ। What's up everyone, welcome to our YouTube channel Nitin Arora Photography Academy। I hope आपने हमारे लद्दाख प्रीवेडिंग के BTS vlogs को खूब enjoy किया होगा। And जिन लोगों ने भी vlogs नहीं देखे, you guys should go and check it right now after watching this video। Coming back to our topic, जिसके बारे में आज मैं खुद बहुत excited हूँ बात करने के लिए। And ये शायद एक वो चीज़ है जिसकी हम काफ़ी time से wait कर रहे थे। कैनन ने रिसेंटली अपना नया कैमरा लॉन्च किया है इन सिनेमा कैटेगरी, जिसके अगर आप फीचर्स जान लेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि ये कैमरा आप अभी के अभी ऑर्डर कर दें। ना ना, घबराने की बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सिनेमा कैमरा है तो बहुत एक्सपेंसिव होगा एंड आप इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वेल, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई ऑल्सो थॉट द सेम, बट जब मैंने इसका प्राइसिंग देखा कैनन की वेबसाइट पे, तो ट्रस्ट मी, आई वॉज जेन्युइनली एस्टोनिश्ड। तो आइए इस बार सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस कैमरा की प्राइसिंग के बारे में, जो जनरली हम लास्ट में बात करते हैं। एंड इसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस प्राइस रेंज में आपको इस कैमरा में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। प्राइस पोजिशनिंग की बात करें तो EOS R5 स्टैंड समवेयर इन बिटवीन कैनन EOS R5, जिसकी कॉस्ट लगभग 3,39,000 रुपए है, एंड इन बिटवीन कैनन C70, जो एक सिनेमा कैमरा है जिसका प्राइस है लगभग 4,85,000 रुपए। कैनन R5C सिनेमा कैमरा लाइनअप का अभी तक का सबसे सस्ता कैमरा होने वाला है, जिसका प्राइस अनाउंस हुआ है सिर्फ और सिर्फ 4,00,000 रुपए का। इज आई स्टिल कांट बिलीव इट व्हाइल आई एम टेलिंग यू, बट दैट्स द ट्रूथ। यू नो, इस प्राइस को सुनकर मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आया, इतना सस्ता कैसे? कुछ तो गड़बड़ होगी, शायद इसमें फीचर्स कम कर दिए होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग मोर एंड मोर कि सिनेमा कैमरा इतने प्राइस में एक्चुअली कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक और शॉक ये लगा कि इट्स नॉट जस्ट अ सिनेमा कैमरा, बल्कि ये कैमरा असल में एक ट्रूली हाइब्रिड कैमरा है, जिसमें आपको इमेज रेजोल्यूशन 45 मेगापिक्सल मिल रहा है। आई एम श्योर इसको सुनकर काफ़ी फोटोग्राफर्स का भी इंटरेस्ट आ गया होगा, लाइक आई डिड। एंड यही मेरे लिए भी डिसाइडिंग फैक्टर है कि ये सबसे बड़ा था, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई नीड दिस कैमरा इन माय किट। अब बात करते हैं R5C के कुछ और फीचर्स की, जो शायद सुनकर आप भी समझ पाएंगे कि मैंने ये कैमरा क्यों ऑर्डर किया। Also, I'm gonna compare the features of this camera with Canon EOS R5, जो कि technologically काफ़ी identical है, but दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी differences हैं जो इन दोनों cameras को काफ़ी अलग बना देते हैं। So, इस confusion को दूर करने के लिए ये camera एक दूसरे से कैसे अलग है, आइए बात करते हैं इन दोनों के key features की, so that you all can decide कि आपके लिए कौन सा वाला R5 best है। सबसे पहले बात करते हैं सेंसर रेजोल्यूशन की। R5 एंड R5C दोनों में ही हमें 45 मेगापिक्सल फुल फ्रेम CMOS सेंसर मिलता है। सो यहाँ दोनों कैमरास काफ़ी सिमिलर हैं, बट जो मेजर फर्क R5C में हमें देखने को मिला है वो है R5C में IBIS इस बार मिसिंग है। आई नो आपके फेस पे भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा मेरी तरह कि सिनेमा कैमरा में IBIS क्यों मिसिंग है, जबकि IBIS तो वीडियो को स्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। वो इसलिए कि मोस्टली फिल्म मेकर्स जब ये कैमरा यूज़ करते हैं तो या तो वो इसे डॉली या रिग या फिर गिम्बल्स पर यूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली स्टेबलाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड दूसरा जो मुझे लगता है कि इसको हटाने का कारण जो कैनन का है, वो ओवरहीटिंग से बचना है। हालांकि फोटोग्राफी में देर इज स्टिल अ डिजिटल IS विच वर्क्स वेरी वेल जब आप अपने RF लेंस को IS फीचर ऑन के साथ यूज करते हैं कैमरा बॉडी पे।
बट समवेयर आई फील कि R5 टेक्स एन एडवांटेज ओवर दी R5C हियर बिकॉज डबल IS होना हम फोटोग्राफर्स के लिए काफी बड़ा एडवांटेज था टू शूट हैंडहेल्ड इन लो लाइटिंग सिनेरियोस. सो हियर वन पॉइंट गोज टू R5 कैमरा. नाउ मूविंग ऑन टू द स्पीड, यहां भी R5 एंड R5C का मैच ड्रॉ हो जाता है बिकॉज दोनों का बर्स्ट शूटिंग स्पीड इन मैकेनिकल शटर इज 12 FPS. वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो दैट इज 20 FPS per second. अभी तक वैसे सबसे ज्यादा जो स्पीड हमें मिली है वो है कैनन के EOS R3 कैमरा में, विच इज 30 FPS per second. बट आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड गाइज फ्रॉम यू ऑल कि क्या वाकई में आपको वेडिंग्स में 30 FPS काम आता है? एंड अगर किसी ने यूज किया है तो प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बिकॉज वॉट आई फील इज दैट 20 FPS इन R5 इज क्वाइट इनफ फॉर मी टू यूज. वेल, दैट्स वॉट आई फील. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट फीचर, दैट इज ऑटो फोकस. R5 की अगर बात करें तो उसमें हमें डुअल पिक्सल सीमॉस AF2 मिलता है जिसकी हेल्प से यू कैन एनेबल फेस, आई, हेड एंड बॉडी ट्रैकिंग फॉर पीपल, एनिमल डिटेक्शन इन स्टिल्स एंड वीडियो बोथ बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट डुअल पिक्सल AF2. वहीं हम अगर R5C सिनेमा कैमरा की बात करें तो स्टिल्स में इट यूजेस द सेम टेक्नोलॉजी, बट जहां तक वीडियो की बात है तो इट यूजेस डुअल पिक्सल सीमोस ओनली, विच हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द सिनेमा कैमराज. जिसका मतलब ये है कि आप इसमें एनिमल या व्हीकल रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स जो R3 में भी आ गया है वो वीडियो मोड में यूज नहीं कर सकते. सो वंस अगेन, इफ आई सी इट जस्ट एज अ फोटोग्राफी कैमरा, आई बिलीव R5 फिर से यहां पे टॉप कर जाता है. सो द पॉइंट गोज टू R5. द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक कैमरा को बाय करने से पहले हम सब इस फीचर पर जरूर गौर करते हैं जो है ISO परफॉर्मेंस. ये एक बहुत ही अहम और दोनों कैमरास को डिफरेंशिएट करने वाला फीचर है. फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से बोथ कैमरा शेयर द सेम ISO परफॉर्मेंस, दैट इज ISO 100, 251, 200, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू ISO 50 टू 1,02,400. वहीं अगर हम बात करें ISO रेंज इन वीडियो की तो वो भी दोनों की सेम ही है, विच इज ISO 100 टू 25,600. बट इसमें R5 की ISO रेंज जो एक्सपैंड हो सकती है अप टू 51,200, वहीं R5C कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1,02,400. एक और चीज जो दोनों को बहुत अलग बनाती है वो है डुअल बेस ISO, जो केवल आपको सिनेमा लाइनअप कैमरा में ही मिलती है. जिसका मतलब है कि R5 डजंट हैव डुअल बेस ISO एज इट्स अ EOS लाइनअप. R5C ऑल्सो फीचर्स डिफरेंट बेस ISOs, जो डिपेंड करता है कि आप कौन सी गामा सेटिंग्स को चूज कर रहे हैं. नाउ हियर इज द टेबल जिसमें आपको दिखेगा कि कौन सी गामा सेटिंग्स में आप कितना बेस ISO रख सकते हैं. सो आई बिलीव द मैच इज गोइंग टू डिफरेंट हैंड्स, दैट इज R5C. नाउ द स्कोर इज 2-1 एंड 1-1. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर जो आई एम श्योर काफी लोग एक्साइटेड हैं सुनने के लिए एंड काफी टाइम से वेट भी कर रहे हैं, विच इज वीडियो परफॉर्मेंस क्वालिटी. आई बिलीव एक IBIS को छोड़कर R5C बिकम्स द मैन ऑफ द मैच. R5 में 4K 120 में हम स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हुए साउंड या नॉइस कैप्चर नहीं कर सकते थे, वो अब R5C में पॉसिबल है विद एन ऑप्शनल ऑडियो वेव फाइल सेपरेटली. एंड जहां R5 में हम 8K अप टू 30 FPS इंटरनली रिकॉर्ड कर पा रहे थे, वहीं R5C में आप इसको 60p पर बूस्ट कर सकते हैं विद एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई. प्लस जो हम हाई क्वालिटी के लिए 4K HQ में हैवी फाइल साइज को शूट करते थे, नाउ ऑल 4K अप टू 60p ऑन R5C इज ओवर सैम्पल्ड एंड लुकिंग एज गुड एज 4K हाई क्वालिटी. द EOS R5C कैन ऑल्सो शूट 5.9K रॉ वीडियो फ्रॉम अ सुपर 35 क्रॉप और 2.9K कैप्चर फ्रॉम अ सुपर 16 रीजन ऑफ द सेंसर. प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो ऑफर्ड विच इज नॉट पॉसिबल ऑन द बेस R5, एंड और भी काफी सारे नए फॉर्मेट्स हैं वीडियो में जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं R5C के लाइनअप पे. और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई बिलीव हर किसी R5 यूजर ने फेस की है, एंड आई एम श्योर आप सब भी वही सोच रहे होंगे, विच इज
overheating issues while shooting videos in 4K and 8K mode. एक सिनेमा कैमरा होने के कारण ये इश्यूज R5C में से समझो गायब से हो गए हैं बिकॉज ऑफ एन एक्टिव कूलिंग सिस्टम इनसाइड द कैमरा बॉडी. एंड नॉट टू फॉरगेट कि अब आप अगर FHD शूट कर रहे हैं यानी कि फुल HD तो आप 1834 मिनट तक कंटिन्यूसली शूट कर सकते हैं. एंड अगर आप 8K शूट करते हैं तो आप 31 मिनट तक कंटिन्यूसली शूट कर सकते हैं जो कि आई थिंक बहुत बढ़िया टाइमिंग है. टू मेक इट साउंड इंटरेस्टिंग अब आप R5C में तब तक शूट कर सकते हैं जब तक आपकी बैटरी ना खत्म हो जाए या फिर आपका मेमोरी कार्ड ना खत्म हो जाए. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीडियो कैपेबिलिटीज में R5C R5 से काफी आगे है. सो द विनर हियर इज R5C. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट फीचर विच इज द मेमोरी कार्ड स्लॉट. बात अगर करें कार्ड स्लॉट्स की तो दोनों कैमरास के कार्ड स्लॉट्स बिल्कुल सेम है एंड इनमें कैनन की तरफ से कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है. दोनों कैमराज में एक सीफास्ट एक्सप्रेस टाइप बी कार्ड स्लॉट है एंड 1 SD UHS-II कार्ड स्लॉट मिलता है. बट नॉट टू फॉरगेट जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि R5C हैज एन एडेड फीचर दिस टाइम ऑफ कैप्चरिंग द प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग जो फिर से R5C को इस रेस में आगे ले जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ट एंड बॉडी डिजाइन. सबसे पहले बॉडी की बात करें तो ओवरऑल दोनों की बॉडीज का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है बट R5 के मुकाबले में R5C की बॉडी थोड़ी सी थिक एंड बल्की आपको नजर आएगी. वहीं R5 इज क्वाइट स्लीक एंड स्मॉलर. उसका कारण है R5C में एक्टिव कूलिंग के लिए जो बॉडी में फैन को एकोमोडेट किया गया है वो उसको थोड़ा सा बल्की बना देता है. R5 का बॉडी वेट इज अराउंड 650 ग्राम्स whereas R5C का वेट इज अराउंड 680 ग्राम्स. इसका मतलब है आप इस बॉडी को भी इजिली गिम्बल पर यूज कर सकते हैं. पोर्ट्स की बात करें तो वो भी सेम टू सेम है. हालांकि काफी लोगों का मानना है कि R5C में माइक्रो की जगह अगर फुल फ्लेज्ड HDMI पोर्ट दे देते तो काफी आसान हो जाता उसको कनेक्ट करने में विद एक्सटर्नल सोर्स. ऑल्सो एक और फीचर जो फिल्म मेकर्स काफी मिस करेंगे इस सिनेमा कैमरा में वो है इनबिल्ट UV एंड ND फिल्टर्स. R5C हैज द सेम हॉट शू जो हमें R3 कैमरा में मिल रहा है जिसके कारण कैनन की आने वाली एक्सेसरीज और जो अभी रिसेंट लॉन्च हुई एक्सेसरीज भी हैं वो आप इस कैमरा के साथ इजीली सपोर्ट कर सकते हैं विच इज ऑब्वियसली एब्सेंट इन R5. बटन्स ऑलमोस्ट सब सेम है जो कि R5 में थे बट लेबलिंग को काफी क्लियर कर दिया गया है. एंड जो मेन शटर बटन है उस पर आपको एक रेड मार्किंग मिलेगी जो कि स्टैंडर्ड सिनेमा कैमराज में हमें देखने को मिलती है. एक कंट्रोल बटन जो पूरी तरह से R5C में इंट्रोड्यूस हुआ है वो है पावर स्विच जिससे आप अपने कैमरा की फोटो एंड वीडियो मोड पर स्विच कर सकते हैं. जब आप कैमरे को फोटो मोड पर स्विच करते हैं तो कैमरा का मेन्यू एंड यूजर इंटरफेस बिल्कुल R5 की तरह ही है एंड आप इसमें सिर्फ फोटोज क्लिक कर सकते हैं. एंड आप इसे जैसे ही वीडियो पर स्विच करते हैं तो ये सिर्फ वीडियो ही ले पाएगा एंड उसके साथ ही इसका मेन्यू और इंटरफेस पूरा सिनेमा कैमराज में बदल जाता है. द ओनली ड्रॉबैक आई फेल्ट कि जितना जल्दी आप R5 पर मोड स्विच कर सकते थे वहीं इस मोड को चेंज होने में लगभग 7 से 8 सेकेंड लगते हैं जिसमें अगर आप एक वेडिंग या स्पोर्ट्स या फिर एक फाइल लाइफ फोटोग्राफर हैं और आपके सामने एक मोमेंट चल रहा है तो शायद आप उस मोमेंट को मिस कर जाएं जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. यू कैन ऑल्सो नोटिस अ पोर्ट फॉर सिंकिंग टाइम कोड. एक और डिफरेंस जो आपको R5C में देखने को मिलेगा वो है फ्रंट में लगा हुआ टैली लैम्प जो आपको इंडिकेट करता है कि रिकॉर्डिंग ऑन है एंड साथ ही में बैटरी या फिर कार्ड अगर आपका खत्म होने वाला है तो वो आपको इंडिकेशन दे देता है. वहीं इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर एंड रियर LCD स्क्रीन आर आइडेंटिकल बिटवीन बोथ द बॉडीज. दोनों कैमराज ही वेदर सील्ड हैं एंड कम्स अलोंग विद कंपैटिबिलिटी विद add-ons लाइक बैटरी ग्रिप्स. ओ बैटरी ग्रिप्स से याद आया कि इट इवन यूजेस द सेम कन्वेंशनल बैटरीज which we use in R5 camera that is LPE6NH. बस इसको देखकर मुझे थोड़ा सा ये डाउट होता है कि जब हम हाई फॉर्मेट वीडियो शूट करते हैं तो कितना ये बैटरीज लास्ट करेंगी. खैर ये तो कैमरा मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा when we will be testing this on field. But in case अगर बैटरी जल्दी जाती भी है
सो आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल पावर सोर्स सच एज द PDE1 USB पावर सप्लाई. So, R5C has scored better obviously than R5 and won the match for today. But I believe is jeet ka pura shrey sirf aur sirf video capabilities ko jata hai, being a cinema camera. Agar hum stills ki baat karein, to clear winner R5 hota hai. But right now, what we are looking at is a truly hybrid camera, jo ki I'm sure sabne socha tha R5 hoga, but thoda sa overheating issues ki wajah se, कहीं ना कहीं वो एक डिसएडवांटेज बन गया. नाउ विच वन यू शुड बाय एंड इनमें से कौन सा कैमरा बेस्ट है वो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप मुझे बताएंगे कि आप शूट क्या करते हैं. तो यहां हम कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ आपको समझाते हैं कि आपके लिए कौन सा कैमरा बढ़िया रहेगा एंड वेयर यू गाइस शुड इन्वेस्ट. सो अगर आप एक फोटोग्राफर हैं देन R5 इज द बॉडी with amazing features, and if you are a videographer then definitely R5C is the body for you. और अगर आप मेरी तरह talented हैं जो एक ही camera body को stills के लिए और कभी video के लिए use करते हैं तो I think you guys should definitely invest in a body like R5C जो कि एक truly hybrid camera है. बाकी देखा जाए तो price में भी बहुत बड़ा difference नहीं है, पर अगर ज़रूरत नहीं है तो अपना एक रुपये भी बचाएं, why to waste money. अब अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन है या आपके क्या थॉट्स हैं इस कैमरा को लेकर, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ यू. और हाँ, अगर सच में R5C लेना है तो भाई उठो एंड काम करो, पैसे कमाओ. वीडियो खत्म.